हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू एडीटेक। दोस्तों, ओप्पो की सब ब्रांड कंपनी Realme ने अपना पहला फोन Realme 1 को मई 2018 में लॉन्च किया था। उसके बाद कंपनी ने Realme 2, Realme 2 Pro और Realme C1 फोन को जो है काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत ही कम बजट में लॉन्च किया था, जो कि ये फ़ोन इंडिया में अभी भी जो है काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, मुझे सोर्सेज के थ्रू पता चला है कि Realme की कंपनी जल्दी इंडिया में अपना नया फ़ोन लॉन्च करेगी, जो कि नए सीरीज़ का फ़ोन होगा। ये फ़ोन Realme U सीरीज़ का फ़ोन होगा और एक सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है, जिसमें आपको जो है MediaTek का Helio P70 का चिपसेट देखने मिलेगा। लास्ट मंथ में MediaTek ने अपना नया चिपसेट MediaTek Helio P70 को अनाउंस किया था, जो कि IMC 2018 यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 में अनाउंस किया था। उसमें Realme के CEO माधव सेठ भी अवेलेबल थे और उन्होंने जो है ये कंफर्म किया कि Realme का जो अगला फोन होगा वो MediaTek का Helio P70 के साथ होगा और ये पहला फोन होगा जो कि इस चिपसेट के साथ होगा। अब बात करूं MediaTek का Helio P70 चिपसेट के बारे में, तो ये प्रोसेसर एक AI बेस्ड पावरफुल प्रोसेसर है, जो कि Helio P60 से 13% मोर पावरफुल है। इसमें आपको जो है 12 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है। Cortex A73 पे आपको 4 कोर मिलते हैं 2.1 GHz पे और 4 कोर मिलते हैं Cortex A53 पे, जो कि 2 GHz पे। इसमें आपको GPU मिलता है Mali का G72 का और ये प्रोसेसर मोर पावरफुल है MediaTek के Helio P60 से। दोस्तों, Realme U सीरीज का जो फोन होगा वो एक सेल्फी सेंट्रिक फोन होगा, जो कि Redmi Y2 स्मार्टफोन को टक्कर देने के लिए बनाया जा सकता है। Redmi Y2 फोन आपको अंडर 15,000 रुपीस में मिलता है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश। तो हो सकता है Realme U सीरीज फोन भी आपको जो है अंडर 15,000 रुपीस में देखने मिले। इस फोन में आपको जो है अच्छा डिस्प्ले मिलता है, यानी आपको इसमें बेजललेस डिस्प्ले मिल सकता है MediaTek के Helio P70 या P60 के चिपसेट के साथ। साथ ही आपको इसमें वोक फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, जो कि कंपनी ने कंफर्म किया था कि उनके अगले फोन में जो है आपको वोक फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। दोस्तों, 14 नवंबर को जो है गीकबेंच के वेबसाइट पर Realme का और एक स्मार्टफोन जो है वो स्पॉटेड हुआ है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RMX1833 करके है। इस फोन के स्पेसिफिकेशन के साथ पता चल रहा है कि इस फोन में आपको MediaTek का Helio P60 का प्रोसेसर मिलेगा, एंड्रॉइड के 8.1 ओरियो के साथ और 4GB का आपको इसमें रैम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस स्पेसिफिकेशन को देख के मुझे लगता है कि ये फोन जो है Realme 3 फोन हो सकता है या फिर Realme U सीरीज का फोन हो सकता है, जो कि जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर के एंड तक आपको जो है Realme का एक नया डिवाइस देखने मिलेगा या दिसंबर में भी आपको जो है Realme का फोन देखने मिल सकता है। Realme ने यह भी बताया था कि मार्च 2019 से पहले इनके 2 या 3 फोन जो है इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। तो देखते हैं Realme का कौन सा स्मार्टफोन जो है इंडिया में लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है Realme U सीरीज के फोन या Realme 3 स्मार्टफोन का जो प्राइस है इंडिया में कितना हो सकता है, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे जैसे ही Realme के किसी भी स्मार्टफोन के बारे में न्यूज़ मिलती है, मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बता दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल EDTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिए और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल EDTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।